हे गाइस, वेलकम टू मेडिसिन क्लब। आज हम होममेड रोटी से फोल्डेड टाको बनाना चाहेंगे। सबसे पहले एक बनी हुई रोटी ले लेंगे, उसको प्लेट में रखकर उसके ऊपर कट लगाएंगे। हम 1/4 रोटी पर कट लगाएंगे, 1/3 हिस्से पर। इस तरह से कट लगाएंगे कि ये फोल्ड होकर 3 फोल्डिंग में आ जाए। कट इतना होना चाहिए आधी रोटी तक, ताकि ये इजीली फोल्ड हो सके, तो 3 स्टेप्स में आसानी से फोल्ड हो सके। अब यहाँ पर हम फिलिंग के लिए लेंगे बॉयल चिकन। मैंने इसको रेड चिली डाल के थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, और एक बॉयल एग लेंगे। उसके साथ ही हम थोड़ा सा सैलड लेंगे, 2 टोमेटो स्लाइसेस एंड 2 कैप्सिकम स्लाइसेस एंड कोकम्बर स्लाइसेस एंड 1 स्लाइस ऑफ चीज। इन सबको हम एक एक सिंगल फोल्ड के अंदर सेट करते जाएंगे। सबसे पहले चीज़ का स्लाइस रखेंगे, उसके बाद चिकन लगाएंगे। इसका फोल्डिंग मेथड सेम है। इसके अंदर आप फिलिंग कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, लेफ्ट ओवर हो, कुछ भी हो, आप इजीली फिलिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम फिलिंग ही हो, आप इसमें पिज़्ज़ा फिलिंग भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस लगा के इसके साथ कैप्सिकम, कैरेट एंड अनियन डालकर, साथ में चीज़ लगा कर, चिकन लगा कर पिज़्ज़ा फिलिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, आप एग फ्राइड करके भी लगा सकते हैं। अब इसके साथ टोमेटो स्लाइसेस रखकर अब इसको फोल्ड करेंगे। सामान को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के फोल्ड करना है, ताकि ये बाहर ना निकले। ये अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर लास्ट में हम एग्स रखेंगे। इसको पूरा कवर करके पकड़ना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा पकड़ेंगे तो ये सारा सामान बाहर निकल आएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये सामान बाहर ना निकले और ये सारी चीज़ें अंदर एडजस्ट हो जाएं। अब एक पैन पे या तवे पर थोड़ा सा बटर डालकर इस टोर्टिला रैप को रख देंगे, और गोल्डन, लाइट गोल्डन होने तक हम इसको ग्रिल करेंगे। ग्रिल पैन हो तो ग्रिल पैन में कर लीजिए, नॉर्मल पैन हो तो नॉर्मल पैन में कर लीजिए, एज यू विश। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसका टेक्सचर थोड़ा क्रिस्पी टाइप हो जाएगा। दोनों साइड से हमने गोल्डन कर लेना है इसको, और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। तेज़ नहीं करना, क्योंकि तेज़ करेंगे तो वो फिर अंदर से चीज़ मेल्ट नहीं होगी। इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे। अब 5-10 मिनट्स के बाद इसको चेक करेंगे, एक साइड से गोल्डन हो गया तो इसको फ्लिप आउट करेंगे। ये लाइट गोल्डन कलर आ गया, इसका टेक्सचर भी क्रिस्पी हो गया। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको दोनों साइड से इक्वली गोल्डन करेंगे, और उसके बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये एक हेल्दी रेसिपी है, जो कि आप डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने होल व्हीट फ्लावर की ये रोटी ली थी, होममेड होल व्हीट फ्लावर है ये, तो इस वजह से इसको ले सकते हैं आप बिल्कुल। और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का होता है कि आपको एक बार बनाने के बाद बार बार दिल चाहेगा कि आप यही बनाकर खाएं। तो अक्सर मेरा लंच यही होता है, इसके साथ एक ग्लास विटामिन जूस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, फिलिंग भी रहता है, और काफ़ी टाइम तक भूख भी नहीं लगती, तो बहुत अच्छा रहता है ये। इसके अंदर आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये सेकेंड लुक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और बनाकर ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।